आज मैं आया था द्वारका सेक्टर 10 के अंदर और यहाँ पर मेरे को एक प्यारी सी दीदी दिखी जो शायद कुछ खाना बेच रही है प्यारे से कार्ट पे। तो हेलो दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बढ़िया हूँ। हाँ जी। तो दीदी क्या क्या होता है अपने पास खाने में? हमारे पास राजमा। हाँ जी, ये तो खत्म हो गए हैं। हाँ, अब एक्चुअली खत्म होने का टाइम आ रहा है ना, मेरा जाने का टाइम। ये कड़ी, और ये पंजाबी स्टाइल कड़ी होती है। हाँ जी। ओके जी, और क्या क्या होता है आपके पास? छोले हमारे खत्म हो चुके हैं। छोले भी खत्म हो गए। हाँ जी, ठीक है जी। और हमारे पास एक दाल होती है। अच्छा, ये किस चीज की दाल होती है? ये चना उड़द की। ठीक है। और होता है हमारे पास शाही पनीर। अच्छा, ये शाही पनीर होता है। हाँ जी। तो दीदी डेली मतलब कुछ चेंज वगैरह होता है या सेम रहता है? चेंज होती है। अच्छा, सीजनेबल मतलब डे बाय डे। हाँ जी। जैसे किसी दिन भिंडी बन गई, किसी दिन बैंगन का भरता बन गया। डे बाय डे चेंज होती रहती है सब्जियाँ, बाकी ये सब आइटम सेम रहते हैं। ओके ओके। तो अपने पास कितने रुपए से थाली स्टार्ट हो जाती है? हमारे पास मात्र 50 रुपए से थाली स्टार्ट हो जाती है। तो 50 रुपए की थाली में हमारी 4 रोटियां और 2 सब्जी। ओके। 60 रुपए की थाली में हमारे चावल, रोटी, सब्जी, ये सब रहता है। 80 रुपए की थाली में हमारा शाही पनीर इंक्लूड रहता है। ओके, तो मतलब वो शाही थाली होती है। 80 रुपए वाली आपकी? 80 रुपए वाली हमारी शाही थाली होती है। तो दीदी 80 वाली थाली लगा दो आप मेरी शाही थाली। ठीक है। सबसे पहले हम आपको खिलाएंगे हमारा शाही पनीर। इसके बाद हम डालेंगे कढ़ी। फिर आएंगे हमारे राजमा। आपके 70 रुपए हो गए मैडम, रायता दे दिया। छोले हमारे खत्म हो चुके हैं, नहीं तो इसमें छोले भी इंक्लूड होते हैं। पर चलिए थोड़ा बहुत जो है मैं डाल देती हूँ। इसके बाद आएंगे बासमती राइस। इसके बाद आएंगे 4 रोटियां। रोटियों में आएगा घी। अब आएंगे हमारे प्याज। इसके साथ आएगी हमारी हरी चटनी। साथ ही इसके आएगा मिर्ची का अचार जो हम घर में ही बनाते हैं। और ये हो गई आपकी थाली रेडी। तो दीदी ये थाली हो चुकी है रेडी? हाँ, ये थाली रेडी हो चुकी है। तो ये कितने रुपए की होने वाली है? ये 80 रुपए में होने वाली है। 80 रुपए की होने वाली है। अगर इसको किसी को खाना है तो कहाँ आना पड़ेगा? अगर आपको खाना है इसे तो आपको द्वारका सेक्टर 10 नियर बाय कोर्ट आना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू।